भाई जल्दी कर लो, तुम लेट हो रहे हैं। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, ये आज बारात का है और ये देखो ये सब क्या कर रहे हैं, अभी तक लगे हुए हैं। इन सब के देखो पीछे अभी आज बारात घुड़चड़ी सब आज ही है, मतलब मेन इवेंट है और कल रिसेप्शन है। सब इतनी लेट करवा रहे हैं, देखो आज भाई देखो बिल्कुल रेडी है। नमस्कार जी, बिल्कुल रेडी है। ये मेरी देवरानी जो है वही अता देवरानियां थोड़ी सी ना होती है, नकचड़ी सी तैयार होने में टाइम लगाती और उसके बाद हम बाराती चलेंगे, मैं लेके चलूंगी अपने देवर की बारात, आप भी साथ में चढ़ना। ठीक है, इतनी शादियां हैं दूर तक लाइन लगी हुई हैं। और देखो भाई हमारा 2 घंटे का टारगेट है, पहुंच जाएंगे दुल्हन के पास। तो भाई पहुंचते हैं, मिलते हैं आपको दुल्हन, उनसे मिलवाएंगे। और भाई मुंह दिखाई जरूर भेज देना, लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। यही मुंह दिखाई है भाई, ठीक है यही दे देना बस। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और सॉरी आप लोगों को डिनर नहीं करवाया, ध्यान ही नहीं रहा खाने और में खाने में क्या, यहाँ के बस इनका जो प्रोग्राम है वो देखने में, वरमाला देखने में, फोटो करवाने में बस लग गए और उसके बाद ध्यान नहीं रहा भैया। अब खाना खाने के बाद दूध भी गर्मा गर्म तो आप ही लोग। डॉक्टर साहब की एक और सुबह, आज पूरा दिन इवेंट्स क्या रहेंगे डॉक्टर साहब बताओ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज इवेंट रहेंगे अपनी जो रस्में होती ना कंगना खिलाने की, भाई दूध में जो है अंगूठी और वो डाल दिए जाएंगे, घास और ये दुल्हन को खिल लेंगे भाई। हाँ, और उसके साथ ही मंदिर में जाएंगे, उसके बाद फिर रात को रिसेप्शन पे। मेरा ये हमारी बेटी डांट रही है, सुबह शुरू ये तो अभी तक उठी नहीं है, अभी 10 बजने वाले हैं भाई और उठी भी नहीं है, और मुझे भी डांट रही है कि सोने नहीं दे रहे हो भाई। रात को कितने बजे सोए थे हम? 5 बजे सोए थे, दुल्हन आई थी 5 बजे, उसके बाद रात क्यों करे सुबह को? हाँ वो हाँ रात ही मानी जाएगी वैसे तो, भाई आए थे दुल्हन लेके तो 5 बजे गए थे, 5 बजे के बाद हम 2 घंटा सोए 7 बजे तक, मैं ये लोग और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा सोए हैं, और ये अभी सोई रही है, उठी नहीं रही है। देखो बड़ी प्यारी लगती है, अब भी आँखों में ऐसे लग रहा है जैसे सोने का मन कर रहा है सो जाएं, लेकिन भाई ये 1-2 दिन तो निकालने ही पड़ेंगे कैसे भी कैसे। कितना मतलब नींद नहीं लो तो कितना बुरा हाल हो जाता है, ये तब पता चलता है जब 2-3 रातें हम लगातार जागते हैं, और उसके साथ ही थकान भी होती है। थकान कौन सी? ये डांस वांस ये वो, कितने काम मेहमान आए हैं उनके, खाना वाना ये सब। देखो खाना बनाने वाली है लेकिन उसके बावजूद उनको सर्व करना, देना, हर किसी को ढूंढ ढूंढ के खिलाना, वरना क्या होता है आप लोगों को पता ही, शादी के टाइम पे रूठा मनाई हो जाती है। तो भाई इस टाइम पे ये इस तरह के काम थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, फूफा जो होते हैं वो सारे रूठ ही जाते हैं और आजकल के फूफा को कोई नहीं मनाता रूठे हैं तो रूठे ही रह जाते हैं। तो भाई इन कामों में थकान हो जाती है, देखो आँखों में ऐसे लग रहा है जैसे सोने का मन कर रहा है पर कल अपने घर जाके आराम से सोएंगे भाई। ये आ गई गीतू 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 गीतू
कीतू आ गया, ये भी अब नान होके तैयार होगा भाई। ये हमारी दूसरी हीरोइन आ गई भाई, ये नीकू रानी आ गई, ये भाई शरारती है और ये बड़ी अच्छी है, ये बहुत शरारती है। ये कौन है, किसकी वीडियो बना रहे हो? ये मेली बना ले है। मेली नीकू की बना ले हैं। मेली ना मेली मेली नीकू की। ये हो गई है कंगना खिलाने वाली रस्म, अब देखेंगे इनके मजे लेंगे। ये खेल आ गया जो पानी है ना, जिसे हमने ये खेला है दूध का, उसका जल जो होता है ये हम किसी पेड़ में डाल देते, सूर्य को देते हैं जैसे खेल के दिया है, तो वो हमने डाल दिया इसमें। सही बात और भाभी ने वेटर बन लड्डू भाभी ने सुखी ना बनाओ क्या अगर सारे इकट्ठे करो। अच्छा जी नमस्ते, चलिए रोटी खाते हैं, हैं? आ जाओ, इतना ही था आज का। कुछ नहीं, भी बड़ा फास्ट फास्ट कर रहे हैं, आपको बताया था ना फनी गिफ्ट बनाएंगे, लेकिन क्या है कि रिसेप्शन स्टार्ट होने वाला है और हमारा सिर्फ आधा घंटा बचा हमें तैयार होने के लिए, तो हम फटाफट आज जैसा भी बनेगा वैसा ही बनाएंगे। बच्चे आ जाएंगे। और ये मैंने छोटा सा ये ले लिया, शार्पनर है ऐसे, ठीक है, ये टॉफीज हैं, ये भी शार्पनर है भाई शूज़ वाला छोटा सा, और ये स्माइली की वो, और ये सॉक्स हैं। अब भाई देखो थोड़ा सा वेलविश के लिए, चाहे इनका बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी के काम आ जाएंगे। ये मैंने उनके लिए रबर दे दी हैं, जब वो स्कूल जाएंगे तो उनके काम आ जाएंगे। हाँ, और ये जो है लॉलीपॉप है, और ये एक ऐसे ही जब वो हो जाएगा तो उसके खेलने के लिए, इसमें लाइट भी तो जल्दी, हाँ जल्दी के लिए, के लिए हाँ 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 जल गई बस। ये भाई ऐसे है, ठीक है, तो इस टाइप का प्रोग्राम वो है, गाड़ियाँ भी हैं, ये छोटी सी गाड़ी है, ठीक है, और ये जेली है, ये चॉकलेट है, ये दूल्हा दुल्हन का फनी गिफ्ट, ये देखो ये आएगी गाड़ी भाई। अरे सही चल रही है भैया, क्या कह रहे हो? जल्दबाजी में आपको पता ही है तैयार किया है, अंदर डाल दिए हैं, वरना डिब्बे में डिब्बा होना चाहिए था, और बाहर से इसको रैप करवाएंगे, बस इतनी बात है भाई, बस ठीक है जी, ओके बाय बाय, थैंक यू।
ये देखिए डॉक्टर साहब का आने के बाद का बाजार, शादी से आए हैं। हाँ भाई बोल के दिखाइए आपके गले का क्या हाल है। गले का हाल ये है कि बोला नहीं जा रहा है भाई, गीत तो नहीं गाए थे। आप लोगों को पता है कि जो डीजे बजता है या और अपना ये जो क्या आता है बैंड बाजे वाले आते हैं, जब वो जा रहे होते हैं जब एक दूसरे को आवाज़ लगानी पड़ती है ना, तो अपने गले का बैंड बाजा हो जाता है। तो ये गए थे तब तो पैक होके गया था बेचारा, अब आने के बाद ये खाली हो गया। खाली होने के बाद ये तो आधे ही हैं भैया, आधे अंदर भी हैं, कुछ मशीन में चल रहे हैं और बस ऐसे ही फैला पड़ा है, चल रहा है कि कौन से ड्राई क्लीन होंगे, कौन से धुलेंगे, कौन से इजी वॉश होंगे, सब जो है अलग अलग निकाल निकाल के अब इनकी जो है क्लास बनाई जा रही है ए बी सी डी या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से। तो अब यही हाल है, तो एक दो दिन लगेगा खुद को ठीक होने में भी, घर को ठीक करने में भी और कपड़ों को भी करने में। वहाँ पर हम अच्छे से आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे, दिखा पाए, क्योंकि भाई शादी के मज़े में हम ये जो वीडियो है वो नहीं बना पाए। नहीं तो बहुत सारे ओकेजन और भी थे, बहुत मज़े भी किए, वो चीज़ें हम बना सकते थे, लेकिन बस एक्चुअली क्या है कि इस टाइप के व्लॉगर्स नहीं हैं कि एक एक चीज़ को हम शूट करें, तो थोड़ा सा मज़े के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेते हैं, लेकिन मज़े हमने खूब किए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।